एक इंडिविजुअल इंसान वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज़ होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फ़िल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज़ किया जाए। चेन्नई हाई कोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाई कोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाई कोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और 1 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं, उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु, पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज़ करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए, डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू आस्क।